तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो हम दोबारा आ चुके हैं हमारे ब्रांड न्यू पोकेमोन कार्ड्स के ओपनिंग के वीडियो में। तो ये हमारे पार्ट टू है पोकेमोन कार्ड्स के ओपनिंग का। इसका पार्ट वन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में सबसे ऊपर पिन रहेगा। तो जल्दी से जाके अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो चेकआउट कर लीजिए ये वीडियो के बाद। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में खोले 10 पैकेट और इस वीडियो में भी हम लोग खोलने वाले हैं पूरे 10 पैकेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले खोलते हैं एक बर्निंग शैडो का। तो ये बैटल स्टाइल के अभी बचे हैं 4 और इसके बचे हैं 5, और एक पैकेट मैं भी ऐड कर दूंगा जो मैंने अनऑफिशियल खोला है। मीन्स मैंने कैमरा के पीछे खोला है, तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग किया था, बट मैंने उसका अलग ही रिकॉर्डिंग किया था क्योंकि मेरे को वो पैकेट कुछ ज़्यादा स्पेशल लग रहा था। क्यों लग रहा था मुझे नहीं मालूम, बस लग रहा था इसके वजह से मैंने वो खोला। तो मैं बकवास नहीं करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी खोलता हूँ। सबसे पहले मैं सनिंग मून बर्निंग शैडो का खोलता हूँ। मैं इनको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सनिंग मून बर्निंग शैडो के पैकेट पकड़ते हैं। फिंगर्स क्रॉस इसमें से कुछ अच्छा निकले। अरे यार ये बहुत टाइट है, सॉरी, ये बैकग्राउंड साउंड्स बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, सब फटते नहीं है अभी। वन टू थ्री, फर्स्ट कार्ड है हमारा एक डबल कलर एनर्जी विशिवाशी, फिर एक ओ हो ओ जी एक्स, वाओ सुपर रेयर कार्ड मिला एक हो ओ जी एक्स, सही है। फिर एक नाइलियो जियो। आपको ये पोकेमोन अभी पता नहीं होगा, ये बहुत अंडररेटेड पोकेमोन है। ये जेलीफिश से इंस्पायर होके बनाया हुआ पोकेमोन है, लेकिन ये फुल शाइनी में है। नाइलो जियो जी एक्स, ये एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है। आपको पता नहीं होगा, आई थिंक सो आप में से मेजोरिटी लोग तो मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी होंगे, लेकिन मैं जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन। हाँ, अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन मतलब अगर आप लोगों ने अलोलन रीजन देखा है तो ऐश के पास एक पोकेमोन रहता है, वो मधुमक्खी टाइप दिखती है, उसका नाम है नागा निडल। वो भी एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन होते हैं। अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन अपने पोकेमोन यूनिवर्स के नहीं होते हैं, एक दूसरे ब्लैक होल टाइप जगह से आते हैं, वो होते हैं अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन लेजेंडरीज, मतलब आपको पता ही है आशियस वो सब। तो अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन के ऊपर एक छोटा सा ये, लेकिन ये कार्ड कितना सही दिख रहा है। इसके आर्ट वर्क पे उन लोगों ने सही में बहुत ही सही मेहनत की है। क्या कार्ड है ये, मेरे को बहुत ही सही लगा। एक ओ हो मिला वही सही लगा, उसके ऊपर से नाइलो जियो का जी एक्स मिल गया। फिर एक रेल्ट खेला, नॉर्मल कार्ड, फिर एक विक्ट्री डेकोरेशन का, ये बहुत ही सही सही कार्ड्स निकले हैं। फिर अभी हम लोग खोलते हैं बैटल साइड का स्वॉर्ड एंड शील्ड बैटल स्टाइल। तो हम लोग जल्दी जल्दी खोल लेते हैं कार्ड्स। इसके पैकेट जितने इजीली खुल जाते हैं उसका डबल हार्ड लग जाता है वो खोलने में, बर्निंग शैडो के पैकेट्स खोलने में। 1 2 3, फर्स्ट है बिशाप, बहुत ही सही। फिर एक टारेटा वी सिंगल स्ट्राइक, बहुत ही सही। फिर एक और नेक्रोजमा वी, फिर एक नॉर्मल कार्ड, फिर एक क्रोकोनाइट वी मैक्स क्रोकोनाइट और क्रोकोनाइट वी डिफरेंस, रैपिड स्ट्राइक यूरुफू, फिर एक मक्रो, फिर एक नॉर्मल सा कार्ड। इसमें से भी अच्छे कार्ड निकले। फिर हम लोग खोलते हैं हमारा अगला सन एंड मून बर्निंग शैडो का पैकेट। वन नहीं, इसको ऐसे ही खोलेंगे। टॉरस, एश का टॉरस सबसे सही मेरे को ये लगा। इसका आर्ट वर्क कितना सही है, आप लोग को दिख रहा होगा, एश का टॉरस पिकाचू के साथ और खुद भी उड़ते हुए अलोलन रीजन। फिर एक सोल गैलियन, फिर एक पैसमीना, सीड्रा, किंग्रा, हॉर्सी, फिर एक मल्टी स्विच एनर्जी, फिर अलोलन जियोडूड रिवर्स होलोग्राफिक, आपको दिख ही रहा होगा ये अलोलन जियोडूड रिवर्स होलोग्राफिक, बहुत ही सही। फिर हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग अगला खोलेंगे ये स्वॉर्ड एंड शील्ड का बैटल स्टाइल।
फर्स्ट ही हमको मिल गया है टापू कोको वी मैक्स, बहुत ही सही। फिर एक फियरो, फिर एक विक्टिनी वी का कार्ड, बहुत ही सही। फिर एक क्रोकोडेंट, फिर विट्रीबेल, बस इसमें इतने ही कार्ड निकले। फिर अगला हम लोग खोलेंगे वापस बर्निंग शैडो का। फिंगर्स क्रॉस इसमें से अच्छे कार्ड निकल जाए। मेरे को अलोलन जियोडूट मिला तो हमारी एक फैमिली पूरी हो गई। अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट देखा है तो उसमें हम लोग को अलोलन गोलम भी मिला है। 1 2 3 फर्स्ट है रायहॉर्न, दूसरा राइडॉन, फिर एक रिवर्स होलोग्राफिक गैसली, बहुत ही सही। अगर आप लोग पिछला पार्ट देखे हो तो आप लोग को पता होगा हमें पिछले वीडियो में सेम ऐसी आइस दिखते हुए रिवर्स होलोग्राफिक गेंगार मिला था, और अभी हम लोग को रिवर्स होलोग्राफिक गैसली मिल गया। फुल फैमिली वो भी एक इसमें क्या बोलते हैं रिवर्स होलोग्राफिक, बस अब मेरे को हाउंटर्ड का इंतजार है। फिर एक प्रोगोन, प्रोगोन टू, प्रोगोन, फुल फैमिली, नॉर्मल स्ट्रेनर एनर्जी, और फिर एक GX, ओके। फिर अब लोग हम लोग खोलेंगे बैटल स्टाइल का। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था, मेरे को अभी ध्यान में आया, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि ब्रो हम लोग ओरिजिनल कार्ड्स कैसे खरीदें, आप मेरे को बताओ, क्योंकि उनने से फ्लिपकार्ट से कार्ड्स ऑर्डर किए थे और उन लोगों ने उनको फेक कार्ड्स ऑर्डर में दे दिए थे। तो उन्होंने हमें कमेंट किया कि भाई एक वीडियो बना दो इसके ऊपर कि रिवर्स हम लोग ओरिजिनल कार्ड्स कैसे खरीदें। तो मैं आप लोग को एक सिंपली बता देता हूँ, जो सस्ते कार्ड्स होते हैं वो मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट आपको दोनों पे जो सस्ते कार्ड मिलेंगे जैसे 500, 1000, 2000 इनके बीच में, वो कार्ड्स फेक होते हैं, वो कार्ड्स आप मत लो, आपका ही पैसा वेस्ट होगा। मैं आपको बस बता दिया कि वो जो कार्ड्स होते हैं वो सब वो फेक कार्ड्स होते हैं, तो वो लेके आप लोग अपना पैसा वेस्ट करोगे। अगर आप लोग को ओरिजिनल कार्ड्स खरीदने तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो 5 से 10 हज़ार के बीच में आते हैं, वो भी 5-10 हज़ार के कार्ड्स में खाली 2 या 4 पैकेट रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो अगर आपको ओरिजिनल खरीदना है तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ओरिजिनल कार्ड्स नहीं बनते हैं, वो बाहर से एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आते हैं, इसके वजह से ओरिजिनल कार्ड्स इंडिया में महंगे होते हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने ये हैक बता दिया जिससे आप लोग ओरिजिनल कार्ड्स खरीद सकते हो और फेक कार्ड में डिफरेंस बता सकते हो। तो अगर आप लोग को एक फेक और फेक कार्ड्स के इस पे वीडियो चाहिए कि फेक कार्ड्स कैसे पहचाने और ये फेक कार्ड्स का बारे में, तो मैं आप लोग बस कमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो उसी वही टॉपिक पे बना दूंगा। तो बस अगर 5 से 6 कमेंट भी होंगे तो मैं उसके वो टॉपिक पे बना दूंगा एक वीडियो कि फेक कार्ड्स को कैसे पहचाने। 1 2 3 सिमग्रेन नॉर्मल, मेरे को नाम प्रोनाउंस करने नहीं हो रहा है, ये एक सूडो, ये लेजेंडरी पोकेमोन होने वाला था लेकिन बाद में पोकेमोन कंपनी ने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन इसके वजह से ये लेजेंडरी नहीं रहा बेचारा। मावली रिवर्स होलोग्राफिक में, एस्केप रोप एनर्जी ट्रेनर टापू फीनी नॉर्मल कार्ड, फिर नॉर्मल कार्ड। फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लास्ट पोकेमोन पैकेट की ओर। टेक्निकली थर्ड लास्ट पोकेमोन पैकेट, क्योंकि मैं वो एक पोकेमोन का पैकेट जो मैंने अनऑफिशियली खोला है वो भी मैं इसके वीडियो में लास्ट में ऐड कर दूंगा। 1 2 3 फर्स्ट एक क्रैक्ट्रॉन, फिर एक क्रोकोनाइट वी मैक्स, यूरोफू वी दूसरे स्टाइल में, फिर एक बफलेंट क्रिकेटून वी मिफू, और एक नॉर्मल कार्ड। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट पैकेट की ओर जो है सन एंड मून बर्निंग शैडो का पैकेट। तो फिंगर्स क्रॉस्ड ये हमारा लास्ट पैकेट है, इसमें कुछ तो अच्छा कार्ड निकल ही जाए। मेरे को एक स्नीक पीक मिल गया है, इसमें एक तो बहुत ही सही कार्ड है सीड्रा किंग ड्रा, और एक ब्यूजल होल जी एक्स
ये भी एक अल्ट्रा बीस्ट है। अगर आपने अलोलन रिंजन देखा है तो ऐश इस अल्ट्रा बीस्ट से फाइट करने भी गया था और ऐश ने इसको हरा भी दिया था। ये भी एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है, दिख रहा होगा आपको। ये अपने मसल्स, मतलब अगर आप लोगों ने एनिमे देखा है तो ये अपने मसल्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बार बार चूमते रहता है, वो बहुत ही फनी लगता है। ये भी एक होलोग्राफिक ये है कार्ड है, बहुत ही सही, इसमें से एक अच्छा कार्ड मिल गया। फिर एक मड ब्रेन, माउंट लकिया, नॉर्मल एनर्जी, टोरोस, सोल गैलियन, पैसमिना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो देख के कुछ भी अच्छा लगा, मजा आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। पी